जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। बिहार के यदि बिहार सरकार में जॉब करना चाहते हैं, बिहार के विद्यार्थी हैं, तो एक आपका लगातार से मांग रहा है, उस मांग को अब बिहार के नेता लोग के द्वारा भी उठाया जा रहा है। अच्छी बात है, यदि आप इस बात से सहमत है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बता दें कि नौकरी में कैलेंडर को लेकर, यानी कि बिहार सरकार या आयोग कैलेंडर जारी करे कि कब कौन सी वैकेंसी निकाली जाएगी और किस कब तक ज्वाइनिंग कराया जाएगा, कब तक एग्ज़ाम लिया जाएगा, इस सब को लेकर लगातार विद्यार्थियों का भी मांग था, लेकिन नेताओं ने चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब लग रहा है कि नेता लोग में, वह विपक्ष हो या पक्ष के हो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ रोज़गार की बात करना है। वह सत्ता किसी के पास हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप इस बात को जानते हैं, सभी विद्यार्थी पढ़े लिखे हैं, यदि पक्ष मजबूत है तो विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। यदि विपक्ष सही नहीं रहेगा तो पक्ष सही से काम नहीं करेगा। यानी जितना ज़रूरी पक्ष का होता है उतना ही ज़रूरी विपक्ष का होता है, इस बात को आप जानते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, कैसे है और क्या जारी किया गया है, क्या लगातार डिमांड है। नौकरी कैलेंडर जारी करें बिहार सरकार, अरविंद बोले हैं। ये कौन अरविंद है जाने, पटना। भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार के युवाओं का सब्जा बाग दिखाने की जगह महागठबंधन की सरकार विधान विभागवार रिक्त पदों और बहाली का कैलेंडर जारी करे। अच्छी बात है, लेकिन आप भी तो थे, आप उस समय कहाँ थे, आपको भी ऐसा करना चाहिए। अब आपको ध्यान में आ रहा है कि ऐसा करें, लेकिन आप लोग जब सत्ता में थे, 17 साल थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे, आपको भी इस बात को ध्यान देना चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त आए सही आए, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। जो भी युवाओं के नौकरी देंगे, युवा उनके साथ रहेगा, इस बात को आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवाओं का सरकार विभागवार रिक्त पदों की बहाली का कैलेंडर जारी करें। उन्होंने कहा कि राजद ने घोषणा पत्र में पहली कैबिनेट के 10 लाख नौकरी देने की घोषणा की थी। अच्छी बात है, आप उसे याद दिला रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप थे तो आप भी 19 लाख बोले थे, उसका क्या हुआ ये भी आप ध्यान देंगे। वह तो फेल हो गया, फिर मुख्यमंत्री ने 20 लाख देने की बात कही, अब मौका है। तेजस्वी यादव बिहार के बेरोजगार युवाओं को बताएं कि कब और कैसे सरकारी नौकरी देंगे। अच्छी बात है, एक बात मैं बताऊंगा आप सभी विद्यार्थी से कि यदि बिहार सरकार और बिहार के सभी आयोग के द्वारा यदि बिहार सरकार दबाव बनाए, बिहार सरकार यदि ये चाहे तो बिहार में जितना भी पद खाली है, अभी आप देख लें, क्लर्क से लेके प्यून से लेकर और आपका अधिकारी तक का पद बिहार में खाली है। बिहार सरकार में या बिहार में आप कोई काम कराने जाते हैं, वो ब्लॉक में चल जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चल जाएं, किसी विश्वविद्यालय में चल जाएं, तो आपका काम लेट से होता है, आपको पैसा देना पड़ता है, आपको समय भी देना पड़ता है, आपको दो बात सुनना होता है, तब होता है। ऐसा क्यों, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, बिहार के सभी लोग कहते हैं और बिहार में जितने भी लोग हैं वह इस बात से सहमत होंगे। क्यों होता है, क्योंकि कर्मचारी की कमी है, अधिकारी की कमी है, प्यून की कमी है, क्लर्क की कमी है। तो इसको यदि फूल फिर कर दिया जाएगा, यदि आप भी जानते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को टॉप राज्यों में लाना है, तो सबसे पहले यहाँ के सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना होगा। उसमें एक अंग ये है, अधिकारी कर्मचारी यदि अनुपात में नहीं रहेंगे, अधिकारी कर्मचारी शिक्षक प्यून सभी लोग अनुपात में नहीं रहेंगे, तो बिहार डेवलप नहीं करेगा। केवल नेता लोग अनुपात में रहें तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसलिए बिहार सरकार से, बिहार के सभी आयोग से मैं नम्र निवेदन करूँगा कि जो भी आप वैकेंसी देते हैं, कब देंगे एक कैलेंडर जारी कर दें, कब एग्ज़ाम होगा एक कैलेंडर जारी करें, कब आपका रिजल्ट आएगा इसके लिए भी एक कैलेंडर जारी करें, आपका जो चुनाव होता है, आपका जो कोई काम होता है उसके लिए कैलेंडर जारी हो जाता है, लेकिन बच्चे के लिए नहीं होता है, ये दुख की बात है। यदि आप मेरे बात से सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में यस कमेंट करेंगे, नहीं सहमत होंगे तो नो कमेंट करेंगे। लेकिन बच्चे और जो पढ़ने वाले हैं, उनका ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पार्टी होता है, ना कोई पॉलिटिक्स होता है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और रोज़गार की बात होनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति रोज़गार है जो जिस लेवल तक पढ़ा है या जिस लेवल तक काम करने का क्षमता रखता है और उसके पास उस लेवल का काम करने का काम उपलब्ध हो, वैसे व्यक्ति सभी बेरोजगार हैं जिसके पास क्वालिफिकेशन,
जिसके पास काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस लेकिन उससे छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो सभी को मैं कहूँगा कि जो भी बेरोजगार है वह पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि बच्चे का भी ये डिमांड है, बच्चे भी कभी भविष्य में जा रहे हैं, अभी बीपीएससी वाले जाएंगे, अभी बीएसएससी वाले जाते हैं या कोई जाते हैं, तो वो ये भी कहें, ये भी डिमांड करें कि कैलेंडर जारी हो, जिस तरीका से एसएससी सेंट्रल कैलेंडर जारी करता है उस तरीका से सभी लोग कैलेंडर जारी करें, जिस तरीका से बैंक जारी करता है उस तरीका से जारी करें, आईबीपीएस जो जारी करता है। सबसे पहले बता दें एक बात आप लोगों से कि जो भी ये स्टूडेंट इस बात से सहमत हो गए तो शेयर करेंगे, यदि नहीं सहमत हो गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे क्या कारण है, उनको क्या लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।